वगैरह फ्लोर टाइल्स इनका असेसमेंट अभी हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बैरकों में गीली चारपाइयाँ और गीले गद्दे हैं, लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं, तो वो जब तक हम। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। 19 मई को जगदलपुर में भारी तूफान के कारण सीआरपीएफ बटालियन कैंप में बैरकों की टीन की छतें उड़ गई, के बाद सीआरपीएफ के 10 जवान घायल हो गए और उनका इलाज जारी है। इस घटना में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन अभी नहीं हो पाया, लेकिन करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विशाल ने बताया कि 10 जवान घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। बस्तर में आंधी और तूफान का जवानों पर कहर टूटा, जिसमें भारी तबाही मची। जगदलपुर से 17 किलोमीटर दूर सेड़वा में सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन का कैंप आंधी तूफान से तबाह हो गया। 6 कैंपों की छत उजड़ गई। आंधी ने यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। 11 जवानों के भी घायल होने की इसमें खबर है। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि सीआरपीएफ के कि ये घटना दोपहर के वक्त हुई, जहां बारिश हुई, आंधी तूफान आया और हड़कंप मच गया। 6 बैरकों की छत उड़ी, जवानों को दूसरे जवानों की मदद से बाहर निकाला गया। आंधी और तूफान इतनी तेज था कि बैरक की छतें 100 से 200 मीटर दूर जाकर गिरी। हादसे में लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल 10 से ज्यादा जवानों का आंधी के तांडव की वजह से घायल होना चर्चाओं में है।